दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर। क्या आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है या फिर आप LIC के अभिकर्ता हैं? क्या आपसे किसी ने यह पूछा है या आपको किसी ने बताया है कि LIC प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है? या फिर यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढ रहे हैं और सही उत्तर नहीं मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपकी हो, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह सिर्फ जानकारी ही नहीं, मैं प्रमाण के साथ बात करने जा रहा हूं। यदि आप स्वयं भी इन प्रमाणों के विषय में खोजबीन करना चाहें तो वह तरीके भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप इसकी जाँच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको LIC के विषय में, उसके वैल्यू के विषय में जानना है, तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के विषय में थोड़ा सा जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो हम LIC के विषय में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं भारत की वित्तीय व्यवस्था को। तो जब भारत के इतिहास में वित्तीय व्यवस्था की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मुझे यकीन है निश्चित रूप से आपको भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो मेरे अजीज दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारतीय रिजर्व बैंक एक प्राइवेट संस्था के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन जब देश आजाद हो गया सन 1947 के बाद, तो सन 1949 में, यानी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, और राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पर जो पूरा अधिकार है वह भारत सरकार का हो गया, और आज भी यह अधिकार भारत सरकार के पास सेफ है। अब जिस समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय उद्देश्य यह था कि भारत के अंदर जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सभी की देखरेख, उनका रेगुलेशन बनाना, ग्राहकों के हितों को ध्यान रखना, यह सारी चीजों की जांच पड़ताल, नियम बनाना, यह सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव बनता चला गया। बाद में जरूरत यह समझ में आई कि कोई एक और संस्था ऐसी बनाई जाए जिसके जरिए कि रिजर्व बैंक के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। तो 1999 से पहले, यानी 1999 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग सेक्टर को और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को, दोनों ही सेक्टर को ध्यान रखता था। लेकिन IRDA अधिनियम 1999 के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई, जिसका शॉर्ट नेम है IRDA। जब यह IRDA बना तो इसका जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय बनाया गया हैदराबाद में, और IRDA का जो मुख्य कार्य था वह यह था कि भारत में जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हों, साधारण बीमा कंपनियां हों, साधारण बीमा कंपनी से मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां जो गाड़ियों का बीमा करती हैं, घर का बीमा करती हैं, ऐसी कंपनियों को साधारण बीमा कंपनी कहते हैं, या फिर स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हो गई, तो जितने भी बीमा कंपनियां हैं उनके सारे के सारे नियम कानून, जो बीमा धारक है यानी जिसने पॉलिसी खरीदी है उनके हितों की रक्षा, यह सारी की सारी जिम्मेदारी और इसकी देखरेख यह IRDA के अधीन आ गया। इन चीजों को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार बैंक की देखरेख RBI करती है, ठीक उसी प्रकार भारत में जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं उनको प्रतिबंधित करने का, ग्राहकों के लिए उनके हितों का ध्यान रखने का,
यह सारी की सारी जिम्मेदारी IRDA के पास आ गई। अब IRDA प्रतिवर्ष ग्राहकों के साथ पारदर्शिता रखने के लिए समय समय पर भारत में जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही हैं उनकी रिपोर्ट देती है, साथ में कौन सी बीमा पॉलिसी ग्राहक के हित के लिए है, क्या बदलाव करना है, यह सारी चीजें IRDA देखता रहता है और समय समय पर रेगुलेशन ले आकर बीमा कंपनियों को बदलाव करने के लिए दबाव बनाता है। अब दोस्तों आइए हम समझते हैं LIC के लिए। तो जहां तक LIC में प्रीमियम जमा करने के बाद आपके पैसों की सुरक्षा की बात है, तो यहां पर सेक्शन 37 जो LIC एक्ट 1956 है उसके अनुसार बीमा धारक के वह सारे पैसे जो LIC में जमा किए गए हैं वह सुरक्षित हो जाते हैं। अब सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956 क्या कहता है? इस नियम के अनुसार LIC की जितनी भी पॉलिसियां हैं और उन पॉलिसियों में जो बोनस दर घोषित किया गया है, इन सभी चीजों की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। यदि आप इस विषय में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956 आप सर्च करें, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए आप इस विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि यदि आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी के नियम के अनुसार वह पॉलिसी जो वादा करती है वह पेमेंट करने की जो गारंटी है वह भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब यदि बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकों में जो आप पैसे जमा करते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार किसी बैंक में ग्राहक के द्वारा जमा किया गया पैसा मैक्सिमम 1,00,000 तक ही सुरक्षित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय में आपको जानकारी होगी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद एक प्रश्न अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है कि LIC ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, और अक्सर कुछ लोग इसका प्रमाण मांगते हैं, कहते हैं भाई अगर LIC गवर्नमेंट संस्थान है तो उसका एक प्रमाण दिखा दो। तो दोस्तों यही वजह रही कि मैंने सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक और IRDA के विषय में जानकारी दी थी। आइए अब चूंकि भारत में जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी IRDA की है, तो हम इसी IRDA की वेबसाइट के थ्रू हम यह साबित करने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो LIC ऑफ इंडिया है यह सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल की वेबसाइट पर चले जाएं और वहां पर सर्च करें IRDA वेबसाइट। जैसे ही आप IRDA की वेबसाइट पर सर्च करेंगे इस तरह का पेज जैसा कि इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ ऑप्शन आता है IRDAI वेलकम्स यू, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं IRDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जो इस समय ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एनुअल रिपोर्ट, या लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान दीजिए नीचे की ओर तो रिपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। जैसे इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको इस एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। तो अभी 16 दिसंबर 2019 को IRDA ने 2018-2019 की एनुअल रिपोर्ट यहां पर डाली हुई है। अब यह जो एनुअल रिपोर्ट है यह सिर्फ LIC की नहीं है, भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस की कंपनी हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, यानी जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उन सभी का रिपोर्ट यहां पर पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आप चाहें तो हिंदी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हिंदी के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो यह जो PDF फाइल है हिंदी भाषा में आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यदि आप इंग्लिश ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यह जो पेज है इंग्लिश भाषा में आपके सामने ओपन हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, यदि आप चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगा, PDF फाइल के रूप में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं जो प्रमाण देने जा रहा हूं मैं पेज नंबर बता दूंगा उसके
जरिए आप सर्च कर सकते हैं। अब यह जो IRDA की एनुअल रिपोर्ट 2018-19 की है, आप इसके पेज संख्या 32 पर चले जाएं। ये PDF फाइल करीबन 244 पेज की है, तो इसके 32वें पेज पर आप चले जाइए। वहां पर आप देखेंगे भारत में बीमा कंपनियों का विवरण दिया हुआ है। तो भारत में कुल 70 बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिसमें जीवन बीमा कंपनियां 24 हैं, साधारण बीमा कंपनियां 27 हैं और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां 7 हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य बीमा करती हैं, और कुल पुनर्बीमा कंपनियां जो हैं वो 12 कंपनियां हैं। अब जैसे ही आप पेज संख्या 33 पर पहुंचते हैं, वहां पर डिटेल दिया हुआ है। पेज संख्या 33 के 1.3.2 वाले ऑप्शन पर जाकर आप उसको ध्यान से पढ़िए। वहां पर लिखा हुआ है, वर्तमान में परिचालन में लगे हुए 70 बीमाकर्ताओं में 8 सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष 62 निजी क्षेत्र में हैं। यानी वर्तमान में भारत में जो 70 बीमा कंपनियां चल रही हैं, उसमें 8 सरकारी हैं और शेष 62 प्राइवेट कंपनियां हैं। अब आगे क्या लिख रहा है, 2 विशेषीकृत बीमाकर्ता अर्थात ECGC और AIC, 1 जीवन बीमाकर्ता अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, साधारण बीमा में 4 और पुनर्बीमा में 1 अर्थात GIC RE सरकारी क्षेत्र में हैं। यानी यहाँ पर देखिए येलो कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्थान है। यह IRDA की एनुअल रिपोर्ट में दिया जा रहा है, पेज संख्या 33 पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अब वहीं यदि आप ध्यान देंगे जो टेबल बना हुआ है 1.8 का, उसमें आप ध्यान दीजिए तो जीवन में सरकारी क्षेत्र में 1 दिखा रहा है, निजी क्षेत्र में 23 दिखा रहा है और कुल यहाँ पर दिखा रहा है 24। जीवन का मतलब यहाँ जो जीवन बीमा कंपनियां हैं उनका विवरण दे रहा है। तो यहाँ पर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्थान है। लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, तो यदि आपके मन में अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप उस PDF फाइल के पेज संख्या 213 पर चले जाएं। जैसे ही आप 213 पर जाएंगे, इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर की ओर वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियां। अब जीवन बीमाकर्ता में सरकारी क्षेत्र में 1 दिखा रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम, और निजी क्षेत्र में देखेंगे तो जितनी भी 23 जीवन बीमा कंपनियां हैं जो कि भारत में काम कर रही हैं, उनके नाम दिए जा रहे हैं। तो यदि आप ग्राहक हैं और आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है, आपसे कोई बीमा एजेंट आकर बोलता है कि जैसे हमारी कंपनी है वैसे ही LIC है, तो आप उसकी बातों में न आएं। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्थान है, जिसका प्रमाण IRDA खुद दे रहा है। यदि आप एजेंट हैं तो मुझे पता है कि आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन प्रमाण के साथ आप अपने क्लाइंट से बात कर सकें, इसके लिए यह जो PDF फाइल है, इस PDF फाइल को डाउनलोड करके रख लीजिए और इसका प्रिंटआउट कराकर आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है, जानकारी थी तो बहुत छोटी लेकिन आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह जानकारी आपको लगी है उपयोगी, तो इस वीडियो के नीचे एक छोटी सी लाइक की बटन बनी होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह जो लाइक की बटन है आपके लिए मुझे बताएगी कि आपको यह वीडियो कितनी अच्छी लगी है या इसका भविष्य में आपके लिए क्या लाभ होगा। यदि आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो दोस्तों, यदि इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।